फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसके लिए आप सब लोग कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं लिया हूँ मेरा खुद का लॉयन किंग फैमिली ट्री, जो कि स्लॉथ एस्टिक से बहुत अलग है। मेरा जो लॉयन किंग फैमिली ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लॉयन सिर्फ प्राइड रॉक में नहीं रहते, वो अलग भी बहुत सारी अलग जगह रहते हैं, जैसे कि प्राइड लैंड्स, आउटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, जंगल, डेजर्ट, एलिफेंट ग्रेवयार्ड और भी बहुत सारी जगह। मगर लॉयंस एक जगह को अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि डेजर्ट के बीच में एक छोटी सी जगह है जो कि अभी तक अनजान है। मेरा लॉयन किंग फैमिली ट्री शुरू होता है लॉयन गार्ड के सीजन 4 की एंडिंग से, जहाँ पे कायोन हमेशा हमेशा के लिए ट्री ऑफ लाइफ का राजा बन जाता है और वो प्राइड लैंड्स छोड़ देता है। सब खुश थे मगर कोई एक था जो कि अभी भी खुश नहीं था, वो था कोपा का सबसे अच्छा दोस्त अफ्यूवा। अफ्यूवा को जलन थी कि कोवू प्राइड रॉक का राजा कैसे बन सकता है, मेरा फ्रेंड कोपा क्यों नहीं। वो जाता है सिम्बा के पास और पूछता है कि क्या मैं जा सकता हूँ एडवेंचर पे कोपा को ढूंढने के लिए। सिम्बा मना करता है कि हम एक और शेर नहीं खोज सकते, मगर फिर ज़बरदस्ती करने के बाद सिम्बा बोल देता है अफ्यूवा को कि तुम कोपा को ढूंढ सकते हो, और वो ये भी कहता है कि जहाँ पे भी तुम्हें लॉयंस दिखे तुम उन्हें हमारे फ्रेंडशिप के न्योते को एक्सेप्ट करने के लिए बोले। उन्हें कहिएगा कि प्राइड रैंक का राजा सिम्बा आपको उसके दोस्त बनने के न्योता देता है। अफ्यूवा मान जाता है और वो अपनी सिस्टर बेबा के साथ निकल जाता है कोपा को ढूंढने के लिए। उसे ये पता नहीं था कि कोपा कहाँ है, मगर उसे ये यकीन था कि कोपा है। वो निकल जाता है अपनी जर्नी पे बेबा के साथ। बेबा एक बहुत ही स्किल्ड हंट्रेस थी। वो सबसे पहले जाते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट में उन्हें कुछ नहीं मिलता, आउटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, और वो दुनिया भर में घूमते हैं। वहीं प्राइड रॉक में अफ्यूवा के जाने के बाद कोवू और सिम्बा को एक शेर के करहाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पहले डर जाते हैं कि क्या ये अफ्यूवा है, मगर जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक शेर नीचे धरती पे गिरा हुआ दिखता है, जिसको देख के पहले कोवू को गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करना चाहता है, पर सिम्बा उसे रोक देता है। वो शेर काफ़ी बुरी हालत में था, वो उठ भी नहीं पा रहा था, पर तभी सिम्बा उसे पहचान लेता है। यह और कोई नहीं, सिम्बा का भाई मालका था। जिसके बाद सिम्बा मालका से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, मगर कोवू बोलता है कि पहले हमें इन्हें प्राइड रॉक में ले जाना चाहिए। फिर कोवू सिम्बा मालका को प्राइड रॉक ले जाते हैं, जहाँ पे कुछ दिनों बाद मालका बताता है कि हमारे प्राइड में रात को किसी ने हमला किया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्राइड उथल फुथल हो गया। इसीलिए मालका काफ़ी चिंतित था, क्योंकि उसकी बेटी गीना अभी भी नहीं मिली थी। वो गीना के लिए तो चिंतित था ही था, साथ में वो उसके बेटे के लिए भी चिंतित था। वहीं अफ्यूवा जब वापस आ रहा होता है, वो काफ़ी डिसअपॉइंट था कि उसे कहीं पे भी कोपा का नामो निशान नहीं मिला। वो काफ़ी भूखा था और वो बेबा से बोलता है कि क्या अफ्यूवा जिंदा है। बेबा बोलती है कि हाँ, अगर तुम्हें लगता है तो वो ज़िंदा होगा। मगर फिर अफ्यूवा कहता है कि अगर वो ज़िंदा है तो हमें मिल क्यों नहीं रहा।
फिर वेवा चुप हो जाती है, पर तभी अफ्युआ को काफ़ी भूख लगने लगती है और वो डेजर्ट में थे तो इसीलिए खाना मिलता भी नहीं है उन्हें। वो काफ़ी चिंतित थे क्योंकि उनको इतनी भूख लग रही थी कि वो कुछ भी खा सकते हैं। अफ्युआ बोलता है कि सिम्बा ने खुद को जीवित रखने के लिए कीड़े मकोड़े खाए थे, तो क्या हमें भी खाने चाहिए? बेवा बोलती है कि हाँ, पर डेजर्ट में तो वो भी नहीं है। अफ्युआ अब काफ़ी चिंतित था, वो सोच रहा था कि क्या करा मैंने, अगर मैं प्राइड रॉक में रहता तो कम से कम मैं तो सुखी रहता, ना ही मैंने इस चीता को सुखी रहने दिया और ना ही मैं खुद सुखी रह पाया। फिर वो दोनों डेजर्ट में घूमने लगते हैं फूड के लिए। डेजर्ट में तो फूड का नाम व निशान भी नहीं था, मगर फिर कई किलोमीटर्स ट्रेवल करने के बाद ग्रासलैंड्स के पास उन्हें एक हिरण दिखता है, और जब वो देखते हैं तो काफ़ी और जानवर भी थे। वो एक जानवर को टारगेट करते हैं और उसके ऊपर कूदने ही वाले होते हैं कि इतने में एक दूसरा शेर बीच में आ जाता है। अफ्युआ और उस शेर में बहुत तेज़ लड़ाई होती है। आखिर कौन था ये शेर और अफ्युआ को मार क्यों रहा है ये? क्या वो भी शिकार करना चाहता है? क्या वो भी भूखा है? आपको ये सब जानने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। तो गाइज आप बताइए आपको मेरा ये लॉयन किंग फैमिली ट्री का एपिसोड 1 कैसा लगा, और ये बताइए कि वो जो लॉयन था जिसने अफ्युआ के ऊपर जंप लगाई थी वो कौन था, और आखिर कहाँ हैं मालका के चिल्ड्रन? तो ये सब आपको देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है पर मैं एमसी डर हूँ। आई डो नो नी हूँ।